कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले में मोदी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है। कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की पॉलिसी केंद्र सरकार बना रही है, कभी ईडी और कभी आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। इससे कुछ नहीं बिगड़ा तो व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दो टारगेट में है। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से विभागी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे कि लोकसभा बाधित है। पहले तो ये होता था विपक्ष किसी मांग को लेकर अड़ते थे और लोकसभा बाधित होता था, राज्यसभा बाधित होता था, लेकिन पहली बार है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा राज्यसभा दोनों नहीं चलने दे रहे हैं।